विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। चौबीस के लिए मिशन साउथ में बढ़ रही चुनौतियां, भाजपा के लिए कर्नाटक में नई साझेदारी से संकट, आंध्र प्रदेश में साथी चुनने की उलझन। सरक्रीक और सुंदरबन में भी तैनात होगी फास्ट पेट्रोल बोट, भारतीय सेना को 8 लैंडिंग क्राफ्ट असाट भी चाहिए, ये 60% मेड इन इंडिया हो। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, कांग्रेस कई मायनों में परिवारवाद वाली पार्टी, कहा 2024 में INTI की सरकार बनी तो खड़गे या राहुल पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। भारत का ऑपरेशन अजय, 286 नागरिकों संग दिल्ली लौटा विमान, 18 नेपालियों को भी वार जोन से निकाला। किसी भी हरकत पर पैनी नजर, पेगोक 200 के बाद अन्य बॉर्डर एरिया में भी तैनात होगी पेट्रोलिंग बोट, भारतीय सेना ने तैयारी की। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे के टी रामा राव मरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही आर्थिक मदद देगी, बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने बड़ी बात बोल दी है। उत्तर भारत में नीचे गिरने वाला है पारा, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान और गोवा में हल्की बारिश की संभावना। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा, किया बोनस का ऐलान, महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 46% होने की संभावना। रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना कठिन होगा, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, आरएसएस पर बयान से जुड़ा है मामला, 2017 में दर्ज हुई थी शिकायत। अगर महाराष्ट्र के स्पीकर निपटारे के समय की सीमा तय नहीं करेंगे तो कोर्ट उसे तय कर देगा, विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका, कहा विधायक अयोग्यता केस की समय सीमा तय करे, ऐसी बोले दशहरे की छुट्टी में पर्सनली देखूंगा। तमिलनाडु के दो पटाखा फैक्ट्रियों में धमाके, 11 की मौत, दो गांवों में हादसा, सीएम का मृतकों के परिवार 3-3 लाख का मदद का ऐलान। आप नेता संजय सिंह बोले, मेरी गिरफ्तारी अवैध, ईडी ने एक भी समन नहीं दिया, हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई 19 अक्टूबर को। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सांसद असुद्दीन ओवैसी बोले, मेरी अंतरात्मा कहती है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर को दी करोड़ों की सौगात, नारी शक्ति बंधन महिला सम्मेलन में हुए शामिल, मुख्यमंत्री ने 104 योजनाओं का लोकार्पण किया। नवरात्र पर कन्याओं के पांव पखारी की कांग्रेस, बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से पीछे नहीं रहना चाहती, लखनऊ में यूथ कांग्रेस कार्यालय के सामने मंदिर के पास कार्यक्रम का आयोजन। देवरिया में बोर में मिला मानव कंकाल, इशारू गांव के शंकर पांडे के रूप में हुई पहचान, पूरे मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हरदोई में 4 आरोपियों के संपत्ति कुर्क, गोकशी और देह व्यापार में लिप्त है आरोपी, प्रभारी निरीक्षक ने आरोपियों की 1,76,500 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली।
श्रावस्ती में रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, 4 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया है फैसला। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का एक्शन, डीएम के निर्देश पर हुई कार्यवाही, 27 दुकानों से इकट्ठा किए गए हैं सैंपल। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, वांछित अभियुक्त अनिल बिश्नोई हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना को लेकर कार्यक्रम, लखनऊ एरा विश्वविद्यालय में हुआ है कार्यक्रम, मंत्री दानिश आजाद भी कार्यक्रम में शामिल रहे। लखनऊ में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले हैं लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल, राहगीरों की गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 5 अवैध निर्माण सील किए गए, अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था, सेक्टर 6 सुलभ आवास के 2 फ्लैटों को भी सील किया गया। मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 4 की मौत, कई घायल, 3 मकान धराशायी, राहत बचाव कार्य जारी है। कहीं बिना बोए तो कहीं रकबा बढ़ा कर ले गया बीमा का लाभ, यूपी में पकड़े 8,000 मामले, अब होगी वसूली। कब्रिस्तान की जमीन पर बने बसपा नेता के होटल पर गरजा बाबा का बुलडोजर, 20 करोड़ की बिल्डिंग मिट्टी में मिली। महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भाजपा विधायक पर लगाया अभद्रता का आरोप, समर्थकों ने चालक की पिटाई की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना रेल रूट पर अब बेपटरी हुई पार्सल वैन, कई ट्रेनें हुई प्रभावित, ट्रेन बेपटरी होने के साथ ही टाउन में परिचालन ठप हो गया। जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खां अब्दुल्ला और डॉक्टर तंशीन फातिमा दोषी करार। आईएएस पवन मीना सीजीओ सहारनपुर बने, सुमित राजेश को भी लखीमपुर खीरी में दी गई है तैनाती। भाजपा का नारी निकेतन वंदन सम्मेलन बना अखाड़ा, महिला कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर फागू सिंह चौहान सुभाषपा में हुए शामिल, कई और नेता भी राजभर के साथ हुए। मां को डॉगी नूरी भेंट करने पर राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, परिवाद वाद दाखिल, डॉग चाइल्ड के नाम पर आपत्ति। उठा सोनेलाल पटेल की मौत का मुद्दा, पल्लवी पटेल बोली सीबीआई से जांच कराए सरकार, वही दुर्घटना नहीं हत्या थी। हरदोई में दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला, हमले में कई लोग हुए घायल, सभी घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती। गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल, ठठिया थाने का बताया जा रहा है वायरल वीडियो, फरियादी महिलाओं को गालियां देता दिख रहा है दरोगा। कासगंज में सिक्किम में बादल फटने से हुआ था हादसा, अचानक आई बाढ़ की चपेट में आया सैनिकों का ट्रक, सिक्किम में सर्च ऑपरेशन के 13 दिन बाद मिला था शव। एलजीए ने बीकेटी में अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त, पारा में गेस्ट हाउस सहित 4 अवैध निर्माण किए गए हैं सील, एलजीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की है।
सो भाजपा का सदस्यता कार्यक्रम आज कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता लेंगे सुभाषपा की सदस्यता। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राज पर दिलाएंगे सदस्यता। हत्यारे भाई ने रिश्तों को किया है कलंकित। सगे भाई को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में हुआ था दोनों भाइयों में झगड़ा। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों के अनुसार झगड़े में घायल हुई थी महिला। झगड़ा करने के आरोपियों को पुलिस भेज चुकी है जेल। यूपी में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। आईएएस पवन मीना बने सीडीओ सहारनपुर। आईएएस सुमित राजेश बने सीडीओ लखीमपुर खीरी। गोंडा में जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब का खेप पकड़ा। गोंडा से बिहार के लिए किया जा रहा था सप्लाई। सूचना के बाद जीआरपी पुलिस ने मौके से दबोचा। ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी बर्फबारी के आसार। बारिश का येलो अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सरकार की ओर से बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। खेलों में बेटियां नहीं दिखा रही हैं रुझान। 77 सीटों के लिए फिर होगा ट्रायल। मंत्री धन सिंह रावत की घोषणा। प्रदेश के कॉलेज विश्वविद्यालय में 5 नवंबर से पहले होंगे छात्र संघ चुनाव। नदी में लुढ़की 22 सवारियों को लेकर काशीपुर से हरिद्वार आ रही बस मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही छोड़ियापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बच्चों से बर्बरता। सिरौली कला के मदरसे में 24 बच्चों को कराया मुक्त। कुमाऊं में नौदन के अंदर चौथी घटना बताई जा रही है। गंगनहर में नहा रही रुड़की बीजी का जवान लापता। सर्च अभियान में अभी नहीं लगा है कोई भी सुराग। एसओ ने जवान की तलाश में सर्च अभियान चलाया। उमराद की दूसरी जंबो केंद्रीय कार्यकारिणी घोषित। 5 बने केंद्रीय उपाध्यक्ष। केंद्रीय अध्यक्ष पुरट सिंह कटहत ने केंद्रीय कार्यकारिणी की दूसरी सूची जारी की है। आंधी के साथ हुई तेज बारिश से 9 डिग्री गिरा तापमान। टूटा 2 साल का रिकॉर्ड। शहर में कई जगह अलाव चलाते हुए लोग नजर आए। पालिका में वित्तीय गड़बड़ियों पर लटकी कार्यवाही की तलवार। शासन को भेजी थी जांच रिपोर्ट। शासन स्तर पर जांच रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया गया। बाघों की खाल के मामले में सीएम धामी सख्त। कहा एनएसए और गैंगस्टर में करेंगे कार्रवाई। धामी ने कहा कि हमारे पास सभी के बाघों का डाटा है। बदमाशों का तांडव। प्रीत बिहार में एक घर पर किया पथराव। चाउमीन के ठेले में लगाई आग की हवाई फायरिंग। दिल्ली की कंपनी के नाम पर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। 4 करोड़ के कैप्सूल बरामद। 2 गिरफ्तार। एक सौ 67 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। जूनियर इंजीनियर के 1097 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। पेपर लीक की वजह से पूर्व में रद्द हुआ जेई भर्ती के पद भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में 12 गैंगस्टर की 17.49 करोड़ की संपत्तियां हुई जब्त। कई और निशाने पर हैं। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास इजराइल के सामने रखी मांग। आईटीएफ ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी।
एक्स जारी करेगा यह नया सब्सक्रिप्शन मॉडल। यूजर्स को अब लाइक और रिपोस्ट करने के लिए चुकानी पड़ेगी कीमत। बुनियादी सुविधाओं के लिए $1 वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा। हमास के हमलों के बीच ब्रिटिश पीएम सुनक जाएंगे इजराइल का हम दोस्त के रूप में बचाव करेंगे। विदेश मंत्री जेम्स स्क्लेवेली इजराइल की यात्रा पर गई थी। हमास से लड़ाई में इजराइल पर पड़ेगा 5,066 अरब रुपए का बोझ। संघर्ष में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत, सैकड़ों की संख्या में इमारतें हुई नष्ट। तबाही के कगार पर गाजा मिस्र सीमा पर मानवीय मदद रुकी, हालात खतरनाक। राफा में 27 और खान यूनिस में 30 मौतें हुई हैं। मौत के बाद भी आपस में ही लिपटे रहे इजराइल परिवार के 5 लोग। राख में मिली प्रेमी जोड़ी की अंगूठी, यूएन कर्मी बोले हम इस नरक से निकालो। भारतवंशियों से 1,082 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। 3 संस्थाओं ने 350 से ज्यादा निवेशकों को पहुंचाया है नुकसान। आयोग ने संपत्ति जब्ती और अन्य आपातकालीन राहत देने की भी बात कही है। स्कूल में शिक्षक की हत्या से दहशत में फ्रांस। 3 साल भी पहले काटा था एक टीचर का सिर, हमले के बाद से फ्रांस अलर्ट पर है। बाइडेन के साथ अरब नेताओं का शिखर सम्मेलन रद्द। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद बढ़ा तनाव। इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण विस्फोट हुआ है। $3.15 मिलियन विदेशी मुद्राओं के साथ चीनी मूल का भारतीय नागरिक गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार यात्री से जब्त की गई राशि कुल $3.15 मिलियन रुपए है। बाजार की शानदार ओपनिंग। सेंसेक्स करीब 400 अंक ऊपर 66,558 पर खुला। 19,805 के करीब निफ्टी। लग्जरी कार मेकर रोल्स रॉयस करेगी बड़ी छटनी। रिक्रूटमेंट फिर से निकालेगा कर्मचारी। भारत के कई स्टार्टअप ने भी नौकरी को कम कर दिया है। सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। सस्ता हो गया त्योहारी सीजन में गोल्ड सिल्वर। कारोबारी सेशन में सोना 60,500 रुपए के प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। मौजूदा वित्त वर्ष में आरबीआई के अनुमान से ज्यादा रहेगी खुदरा महंगाई दर। 2024 से पहले सस्ता नहीं होगा कर्ज। एचडीएफसी के साथ विलय के बाद पहली बार एचडीएफसी बैंक ने पेश किए नतीजे। दूसरी तिमाही में 15,976 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दुनिया भर में देश एआई की चुनौतियों और खतरों के लिए लेकर हुए हैं सावधान। यूरोपियन यूनियन ने किया रेगुलेट करने का फैसला। मंत्रालय की चेतावनी, चीनी स्टॉक की मंगलवार तक देनी होगी जानकारी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। 3 दिग्गज कंपनियों में जारी है छटनी। ₹1,000 करोड़ के वितरण को मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लाभार्थी कंपनियों को होगा फायदा। समिति की हालिया बैठक में यह मंजूरी दी गई है। मनरेगा का 95% बजट हुआ खर्च, 40,000 करोड़ रुपए तक। और बढ़ाएगी सरकार सरकारी योजना को सही तरीके से चलाएगी। त्योहारों से पहले तोहफा, सितंबर में भी शून्य से नीचे रही थोक महंगाई। कीमतें और भी हो गई हैं नरम। करियर की दूसरी हैट्रिक लेने की तैयारी कर रहे हैं रोहित शर्मा। अश्विन की बदौलत गेंदबाजी में दिखाएंगे कमाल। रोहित ने पूरे करियर में कुल 94 विकेट चटकाए हैं। भारत के एक युवा खिलाड़ी आशुतोष शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का सालों पुराना रिकॉर्ड। 8 छक्कों की मदद से लगाए सबसे तेज अर्धशतक। आशुतोष ने 2019 में अपना पहला 50 ओवर का मैच खेला था।
शर्मनाक हार से उतर गया साउथ अफ्रीकी कप्तान वामुआ का चेहरा। कप्तान ने कहा 112 रनों पर उनके 6 विकेट चटकाने के बाद हमें उन्हें 200 से पार नहीं जाने देना चाहिए था। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर बदला पॉइंट्स टेबल का खेल। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन हुई पीछे श्रीलंका की टीम सबसे नीचे। फिर चोकर साबित हुई दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड से हारी तो खूब उड़ा मजाक, डच टीम को यादगार जीत मिली। भारत से हार के बाद एक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास दर्ज कराई 2 शिकायत। खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। रिकवरी में एक स्टेप और आगे बढ़े ऋषभ पंत। ट्रेडमिल पर की रनिंग, डेविड वॉर्नर बोले दिन बना दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वायरल फीवर पर आया ताजा अपडेट। मीडिया मैनेजर ने दी अहम जानकारी, कुछ खिलाड़ी अभी भी चिकित्सकों की निगरानी में हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी। युजवेंद्र चहल या रवि बिश्नोई 2024 T20 वर्ल्ड कप में होंगे टीम इंडिया का हिस्सा। ये टूर्नामेंट इन दोनों के लिए अहम है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले पुणे में प्रैक्टिस के दौरान जीता दिल। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस लगातार विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं। शादी वाली साड़ी पहनकर नेशनल अवार्ड लेने दिल्ली पहुंची आलिया भट्ट। कहा जो एक बार स्पेशल होता है वो बार बार स्पेशल हो सकता है। रिवियर रिवीज रिपीट। थलापति विजय की लियो की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। अब कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर लगा दी है रोक। तमिलनाडु सरकार ने लियो की स्क्रीनिंग पर लगाई है शर्तें। उधार पर कपड़े और लोन पर ज्वेलरी लेती है जीनत अमान। खुद किया खुलासा, बोली बैंक बैलेंस खर्च ना खर्च करे और वास्तव में आप जो पहनते हैं उसका आनंद लेते हैं। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने पर खुशी से फूली नहीं समारी स्नेहा रेड्डी। प्राउड वाइफ ने एक्टर संग तस्वीर शेयर कर लिखा इमोशनल नोट। नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के बाद कृति सनैन ने शेयर की खास तस्वीरें। दुलार करते दिखे पिता, लिखा आज का दिन यादगार रहेगा। कंगना रनौत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख हुई इमोशनल फोटो शेयर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ में लिखी बात। करण जौहर को मिली थी जान से मारने की धमकियां। कुछ कुछ होता है कि स्क्रीनिंग छोड़कर डर से विदेश भागे थे, अंडरवर्ल्ड से आते थे कॉल, खुद किया खुलासा। ऐश्वर्या शर्मा और अनिल भट्ट की शादी को लेकर मचा था बवाल। बेहद फिल्मी है बिग बॉस में आए कपल की लव स्टोरी। कभी शादी नहीं करना चाहती थी ऐश्वर्या। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की वायरल हुई बेहद प्यारी फोटो, फैंस हुए फिदा, बोले परफेक्ट जोड़ी। नो मेकअप लुक में कैटरीना काफी प्यारी लग रही है। शो की शुरुआत में अभिषेक कुमार के गुस्सेल बर्ताव से परेशान हुए सभी घर वाले। बिग बॉस ने भी एक्टर को दे दी है वार्निंग। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।